नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और घर के ही मसालों से ये बन जाती है। इससे पहले आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे मूली। ये बिल्कुल ताज़ी मूली है, इसको हमने अच्छे से धोकर छील लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। इससे पहले अभी हम इसको साइड कर देते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने लिया है आलू। आलू को हमने छील कर धोकर छोटे छोटे क्यूब साइज में कट कर लिया है। आलू को बिल्कुल बड़ा नहीं काटना है, छोटा छोटा ही काटना है ताकि मूली के साथ ये आसानी से गल जाए। तो चलिए अब हम मूली को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिया है हमने ग्रेटर, इसमें मोटा भी है, थोड़ा सा पतला भी है, आपको जिधर से पसंद हो उधर से इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मूली को ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने सारे मूलियों को ग्रेट करके रख लिया है। अब हम इसमें आलू को छानकर डाल देंगे। यहाँ आलू भी हमने छान लिया है। इसके बाद यहाँ देखिए हमने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें है छोटे चम्मच से एक चम्मच भर के जीरा है, करीब डेढ़ चम्मच के धनिया है, सात आठ काली मिर्च है, सात आठ लहसुन की कलियाँ हैं और एक तेज़पत्ता है। इन सारे मसालों को हम फ्राई करेंगे। इससे पहले हम तेज़पत्ता को तोड़ लेते हैं। यहाँ लिया हमने प्याज, ये एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। यहाँ लिया है हमने एक टमाटर, ये मीडियम साइज का ही टमाटर है, इसको हमने कट कर लिया है, और दो हरी मिर्च है जिसको टुकड़े में हमने काटा है। तो चलिए अब बनाते हैं। यहाँ रखा है हमने कढ़ाई जिसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे इस सारे मसालों को। फ्लेम हम यहाँ लो रखेंगे और मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। ध्यान रहे मसाले जलने नहीं चाहिए, इसे चलाना भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। मसाले को बिल्कुल सावधानी से निकालें, नहीं तो ये छिट जाएंगे। इसी तेल में हमने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे फ़ोरन। फ़ोरन हमने आपको नहीं दिखाया था, मैं भूल गई थी। इसमें डाला है जीरा, एक तेज़पत्ता, दो सूखी लाल मिर्च। जीरा के चटकने के बाद हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्च और साथ में डाल दिया है प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए ये प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हम मूली और आलू को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये आपस में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हम इसे ढक देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 5 मिनट तक के लिए। और यहाँ देखिए ये जो मसाले हमने भुने हैं इसमें लहसुन की कलियों को डाल देते हैं और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ढक्कन हटाते हैं और फिर हम इसे चला देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इन दोनों को डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे हम फिर से ढक देंगे करीब 2 से 3 मिनट तक के लिए। फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी मूली ज़्यादा पानी रिलीज नहीं करती है। इसके बाद हमने डाल दिया है एक टमाटर। टमाटर को हमने मिलाया नहीं है बल्कि ऐसे ही ढक दिया है। इसे भी 1-2 मिनट पकाने के बाद यहाँ देखिए हमने फिर से इसे चला दिया है। इसके बाद हम इसे फिर से ढक देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। उधर हमारा मूली आलू टमाटर पक रहा है, तब तक हम मसाले में कुछ मसाले मिला लेते हैं। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच भर के बेसन। बेसन के जगह पर आप 1 चम्मच आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को हम
मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा थिक है। पानी मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ देखिए बिल्कुल इसी तरह का हमको ये मसाला चाहिए, इतना ही थिक होना चाहिए। और इधर देखिए ये सब्जी जो है अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी हो तो आप उसे सुखा लें फ्लेम को हाई करके, लेकिन इसमें कोई भी पानी नहीं है क्योंकि अभी की जो मूली है ज़्यादा पानी रिलीज नहीं करती है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं मसालों को। मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम इसे भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ देखिए सब्जी तैयार हो चुकी है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया है हमने। यहाँ रखा हमने प्लेट। इस प्लेट में हम सब्जी को निकाल लेते हैं पहले। ये सब्जी देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर भी आया है और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखने में ही ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आपने कभी भी किसी को भी इस तरह का सब्जी बनाते हुए नहीं देखा होगा, आप पहली बार देखेंगे इसे। अगर आपने इस तरीके से एक बार भी मूली का सब्जी बनाकर किसी को भी खिला दिया तो वो नहीं पहचान पाएगा कि ये मूली की सब्जी है। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।